Hello student, welcome to our English class. This is your English teacher, Mrs. Priti, going to start our new topic that is past tense. Past tense is divided into four parts. First one is past indefinite, past continuous, past perfect, and last one is past perfect continuous. Past indefinite formation is subject plus v2 plus object. V2 means second form of the verb. In negative sentences, we use subject plus, did plus, not plus.

पास्ट टेंस कहेंगे या पास्ट टेंस का यूज वहां होगा फॉर इंस्टेंस आई मीट हिम यस्टरडे हेयर यस्टरडे इज डिनोट एज द पास्ट पास्ट को शो कर रहा है इट मीन्स वी यूज हेयर सिंपल पास्ट और पास्ट इनडेफिनेट नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गांधी डाइड इन नाइनटीन फोर्टी एट एक्सक्यूज ऑफ पास्ट इनडेफिनेट इज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट पास्ट की जो हैबिट्स होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होता है नेक्स्ट वन इज इन कंडीशनल सेंटेंसेस इफ़ द प्रेजेंट इज़ इमेजिनरी, देन पास्ट इंडेफिनिट इज़ यूज अगर प्रेजेंट दे रखा है प्रेजेंट इमेजिनरी है काल्पनिक है तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होगा इन दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सच वर्ड्स आर यूज इन टाइप के सेंटेंसेज होते हैं जो उसमें क्या यूज़ होता है ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं फॉर एग्जाम्पल एज एफ एज दो इट इज़ टाइम इफ ओनली विश वु रदर फॉर ऑल पर्सन वी यूज़ वर इंस्टेड ऑफ वर्ज़ हम सभी पर्सनस के लिए क्या यूज़ करेंगे वर वर्ग का यूज़ करेंगे वॉज की बजाय वॉज़ की जगह हम वर का यूज़ करेंगे चाहे कोई भी पर्सन हो अगर इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेज आ जाते हैं ना तो हम वर का यूज़ करेंगे फॉर इंस्टेंस ही स्पीक्स एज एफ ही वर मैट ये इमेजनरी सेंटेंसेज होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं इट इज़ टाइम यू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन अब इट इज़ टाइम इट इज़ टाइम अगर मैंशन हो तो हम हमेशा ही पास्ट इनडेफिनेट टेंस का यूज़ करेंगे वी यूज पास्ट इंडेफिनेट टेंस विद दीज वर्ड्स कुछ वर्ड्स हैं स्पेसिफिक कि भाई इनके साथ तो पास्ट इनडेफिनेट टेंस का ही यूज़ होगा फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट नाइट लास्ट ईयर An hour ago, many years ago, long, long ago, last month, in the past, then, before, previous, etc. Next part is past continuous. Its formation is subject plus was plus v1 plus ing plus object. In negative sentence, subject plus was/were plus. नॉट प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज द फॉर्मेशन इज वॉज व प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क इट मीन्स इन सिंगुलर नाउन और सब्जेक्ट वी यूज वॉज सिंगुलर नाउन के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ज यूज़ करेंगे इट मीन्स अगर ही हो शी हो इट हो या किसी का नेम हो या आई हो जो भी सिंगुलर हो उनके साथ हम वोज यूज़ करेंगे और प्लूरल नाउन के साथ सब्जेक्ट्स के साथ हम व यूज़ करेंगे इट मीन्स वी यू दे हो या बहुत सारे लोग हों उनके साथ हम वर का यूज़ करेंगे यूज ऑफ दिस टेंसेस इट इज़ यूज फॉर द वर्क विच वॉज कंटिन्यूड और इन प्रोग्रेस फॉर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट एंड शो कंटिन्यूटी इट मीन्स अगर ये टेंस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है उस वर्क के लिए यूज़ किया जाता है जो पास्ट में कोई भी वर्क कंटिन्यूटी को शो करता है कंटिन्यू हो प्रोग्रेस में हो लेकिन पास्ट में उसको शो करता है इट मीन्स पास्ट कंटिन्यूस इज देर फॉर इंस्टेंस आई वॉज राइटिंग लेटर्स ऑल नाइट नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट एट एट एम यस्टरडे नेक्स्ट यूज इज़ टू वर्क्स और थिंग्स कंटिन्यूड इन द पास्ट ज्वाइंट विद वाइल अब क्या है दो काम या दो चीज़ें या दो एक्शन कंटिन्यू हैं पास्ट में और ज्वाइंड हैं किससे वाइल से ज्वाइन हैं जुड़े हुए हैं देन फॉर बोथ वर्क दोनों काम के लिए दोनों एक्शंस के लिए पास्ट कंटीन्यूस इज़ यूज इट मीन्स पास्ट कंटिन्यूस इस का इस्तेमाल होगा यूज़ होगा दोनों काम के लिए अगर दोनों काम क्या है पास्ट में है और वाइल वाइल से ज्वाइंट हैं जुड़े हुए हैं फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड वॉज रनिंग वाइल हिज मदर वॉज वॉकिंग वॉज रनिंग एंड वॉज वॉकिंग शो द वर्ब ऑफ पास्ट कंटिन्यूस नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वाइल रोहित वॉज सिंगिंग हिज सिस्टर वॉज डांसिंग थर्ड वन इज पास परफेक्ट टेंस द फॉर्मेशन ऑफ पास परफेक्ट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट वी ऑलवेज यूज वी थ्री इन परफेक्ट टेंसेज चाहे कोई भी टेंस हो परफेक्ट टेंस प्रेजेंट का हो पास का हो फ्यूचर का हो वी यूज वी थ्री यानि वर्ब की थर्ड फॉम हम यूज करेंगे इन नेगेटिव सेंटेंसेज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज द फॉर्मेशन इज हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क द यूज ऑफ दिस टेंस To express an action that was finished or complete in the given time of past, it means past make, koi bhi action complete o gaya finish o gaya, but in past, uskili hum use karenge, past perfect tense ka. For instance, we had reached home before sunset. Our next example is, had you seen the taj before coming here? Our next point is, this is our important point, if there were. टू एक्शंस इन पास्ट अगर दो एक्शन पास्ट में थे वी यूज पास्ट परफेक्ट फॉर फर्स्ट एक्शन फर्स्ट डन एक्शन एंड पास्ट इनडिफिट टेंस फॉर सेकेंड एक्शन या नेक्स्ट एक्शन अगर क्या है दो एक्शन पास्ट में हो दो वर्क दे रखे हो पास्ट के एक्शन दे रखे हो तो हम जो फर्स्ट एक्शन डन है फर्स्ट एक्शन हुआ उसमें तो पास परफेक्ट यूज़ करेंगे और जो हमारा सेकेंड एक्शन है उसके लिए हम पास्ट इनडेफिनेट टेंस करेंगे आ, हमें एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा ये द ट्रेन हैड गोन बिफोर वी रीच द स्टेशन अब फर्स्ट एक्शन को कौन सा हुआ फर्स्ट एक्शन हुआ जाने का ट्रेन का ट्रेन जा चुकी थी हमारे पहुंचने से पहले इट मीन्स जाने का ट्रेन के जाने का एक्शन पहले हुआ और हम पहुंचे बाद में इट मीन्स फर्स्ट एक्शन के लिए हेड गोन लग गया इट मीन्स पास्ट परफेक्ट लग गया सेकेंड एक्शन के लिए पास्ट इंडेफिनेट लग गया दैट इज़ रीच्ड द वर्ब इज़ रीच्ड ओ पास्ट इनडेफिनेट नेक्स्ट पॉइंट इज इफ़ द एक्शन इज मैंशनड इन पास्ट अगर कोई भी एक्शन पास्ट में मैंशन है जैसे सच वर्ड्स आर यूज्ड Uh, already just lately ever yet so far are given then past perfect is used agar ye words de rakhe hain to hum usme past perfect ka use karenge lekin yahi word agar hum mein aur bhi de rakhe aur sentences mein to तो present perfect ka bhi use hota hai but agar action mention है किसमें past में और ये words भी साथ में दे रखे हैं तो उसमें हम use करेंगे फास्ट परफेक्टेंस फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जाम्पल दे हैड नॉट लर्न द लेसन यट आई हैड ऑलरेडी मेट हिम इन कोलकाटा नेक्स्ट पॉइंट इज इन टोजेस इन टाइम क्लोज टाइम मैंशन कर रखा हो आफ्टर द वर्ड्स टिल और अन टिल एंड बिफोर अगर तीन वर्ड दे रखे हों टिल दे रखा हो अंटिल दे रखा हो बिफोर दे रखा है ये वर्ड्स दे रखे हैं इनके बाद हम क्या यूज़ करेंगे वी यूज़ पास परफेक्ट टेंस हमेशा हम उनके बाद में पास परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे एंड बिफोर दीज वर्ड्स और इन वर्ड्स से पहले हम क्या यूज़ करेंगे पास टेंस का यूज़ करेंगे अगर टिल अंटिल और बिफोर वर्ड आई एम रिपीटिंग अगर टिल अंटिल और बिफोर वर्ड दे रखा है तो हम क्या यूज करेंगे उनसे पहले तो हम पास परफेक्ट टेंस यूज करेंगे और उनके बाद हम क्या यूज करेंगे पास टेंस यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल आई वेटेड फॉर हिम टिल ही हैड written. अब बाद वाले के लिए आफ्टर इन वर्ड के बाद वालों के लिए हमने बताया था पास परफेक्ट यानी हैड रिटर्न वर्ब आ गई और इससे पहले बिफोर क्या यूज किया गया waited इट मींस इट इज पास टेंस यानी पास्ट टेंस की फॉर्म में सेकेंड फॉर्म है वेटेड अब मैंने बताया था अभी अभी कि इन वर्ड के बाद तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे और इन वर्ड से पहले हम पास्ट इनडेफिनेट का यूज़ करेंगे नेक्स्ट पॉइंट है ऑफ दिस टेंसेस टू एक्सप्रेस इम्पोसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट यानी पास्ट की कोई भी इम्पोसिबल कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैड रन फास्ट यू वुड हैव कॉट द ट्रेन ये इम्पोसिबल कंडीशन है असंभव कंडीशन है पूरी नहीं हो सकती इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे पास परफेक्ट का यूज़ करेंगे फॉर एग्जाम्पल यू हैड रन हैड रन हैड रन किसकी फॉर्म है पास परफेक्ट ही फॉर्म है तो आवर लास्ट एंड नेक्स्ट फॉर्मेशन इज

किसको ऐड कर देंगे नोट को ऐड कर देंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑफ फोर इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वी यूज हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑफ फोर प्लस टाइम प्रेस क्वेश्चन मार्क हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में वी ऑलवेज यूज क्वेश्चन मार्क यूज ऑफ दिस टेंस क्या यूज़ होता है इस टेंस का टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वो स्टार्टेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट उस एक्शन को रिप्रेजेंट करता है एक्सप्रेस करता है व्यक्त करता है जो स्टार्ट हुआ एक सर्टेन टाइम पास्ट का जो एक सर्टेन टाइम है निश्चित समय से पहले कोई एक्शन स्टार्ट हुआ एंड कंटिन्यूड और फिनिश्ड या तो कंटिन्यू हो और फिनिश हो कब तक टिल द नेक्स्ट टाइम अगले समय तक अगला समय जो मैंशन रखा उस तक फॉर इंस्टेंस The baby had been crying for 10 minutes when the nurse attended it. So, our topic is finished. Hope you understand it well. Thank you for listening, students.